पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों लुधियाना में कैबिनेट की बैठक की अगवाई तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो BSF वालों सूबे के अधिकारों से डाका मारिया गया उसनों लैके 8 नवंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष इजलास सद्या गया। उन्होंने कहा कि इजलास तो बाद पंजाब सरकार अपने हकों लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। इस दौरान चरणजीत चन्नी ने ऐलान किया कि वैट झगड़िया के मामलों को निपटाने लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि लगभग 40,000 के करीब जिहड़े पेंडिंग मामले ने उन्होंने रफा दफा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 8,000 व्यापारी जिन्हों का टैक्स 1 लाख है व्याज पैके वध बन गया उन्होंने मसले ही सुलझाए जाएंगे। उन्होंने भी वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लिया गई है। CM चन्नी ने कहा कि छोटिया ते मीडियम फैक्ट्रिया के लिए भी वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लिया गई है। इस तो इलावा बिजली दे विच ते माध्यम सन्नता नूं वड्डी राहत दिती गई है। बिजली दे फिक्स चार्जिज दे विच 50% दी सरकार ने कटौती कर दी है जिस नाल उन्हां नूं वड्डी राहत मिलेगी। चरणजीत चन्नी ने भी ऐलान किया है कि अमृतसर दे विच एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाएगा। इस तो इलावा चंडीगढ़ नेड़े एक फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया गया। चन्नी ने भी ऐलान किया है कि पट्टी मखू रेलवे लिंक बनाने दी तैयारियां की गई ने। इस तो इलावा उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देंदे कई अहम गल्लां भी साझिया कीतियां। स्पेशल सेशन विधानसभा का उसका मेन मकसद है कि जिहड़े खेती दे काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए पंजाब सरकार किसानों के नाल मिलकर हमेशा मंग करती आ रही कि इन्हां नूं रद्द किया जाए लेकिन अजे तक ना कोई समझौते वालों गल तोरी गई है समझौता किया गया तो ना ही ये रद्द किए गए। सो ऐसी केंद्र सरकार को अपील करते हैं कि इन्हों का छेती निपटारा किया जाए इन्हों रद्द किया जाए नहीं तो ऐसी 8 तरीक को विधानसभा का सैशन बुला के इन्हों रद्द करा 8 तरीक तक साड़ी मंग है कि इन्हों रद्द कर दिता जाए। दूसरा BSF की जी रेंज है वो 15 किलोमीटर तो वधा के 50 किलोमीटर कर दी गई। साढ़े पंजाब सरकार का यह हक है कंस्टीट्यूशनल राइट है कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर मौजूदा पंजाब सरकार देखे। ये जिहड़ा साडा हक है इनू अननेसेसरीली विदाउट कंसल्टेशन विद द पंजाब गवर्नमेंट इस नूं BSF दा दायरा 15 से 50 कर दिता गया जिहड़ा कि असीं समझदे साढ़े पंजाब दे हक्कां ते डाका है और अनकंस्टीट्यूशनल है विधान और कानून दे उल्ट है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनां दे विच बिघन पाउंदा है। फैडरल सिस्टम जो साडा है उसकी भावना दे कंस्टीट्यूशन की भावना दे उल्ट है। इस करके असी सारियां पार्टियां दी एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई सी जिदे विच सारियां पार्टियां ने मिलके ये चिंता जाहिर की है कि ये गलत होया नहीं होना चाहिए। इस तो केंद्र दे जिहड़े मनसूबे है वो सानू चंगे नहीं जाप रहे हैं इसलिए इहदे बारे भी एक स्पैशल सैशन असी विधानसभा का 8 तरीक नूं बुलाया और असी मंग भी करते हैं कि 8 तरीक तो पहला ये जी नोटिफिकेशन हुई है इस नूं वापस ले लिया जाए अदरवाइज साड़ी मजबूरी होएगी कि असी इहनूं रद्द करांगे उहदे नाल कंस्टीट्यूशनल क्राइसिस आउणगे सेंटर स्टेट दे रिलेशन खराब होणगे। इस तरह की गतिविधियां च पंजाब सरकार नूं केंद्र सरकार ना पावे असी मंग करते हैं कि इन्हों 8 तरीक तक नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाए इहदा हल कढ़िया जाए किसी तरह भी पंजाब के लोगों नूं पंजाब की पोलीटिकल पार्टीज़ नूं पंजाब सरकार नूं ये जिहड़ी नोटिफिकेशन की है दायरा बढ़ाया गया है वो सानूं मंजूर नहीं है। असी इस नूं अपने हक्कां ते डाका समझते हैं और एक किस्म का गवर्नरी राज या प्रेजिडेंट का रूल ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है केंद्र सरकार की
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਟਿੰਕਾ ਜੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।